सो भाई लोग कैसे हो भाई। होप कि सारे के सारे मजे में होंगे भाई। डॉक्टर स्ट्रेंज का कलेक्शन देखो 27 करोड़ इंडिया के अंदर से। अरे भाई कौन बोलता है कि भाई आज की जो पब्लिक है सिनेमा घर में नहीं जाती है, थिएटर में मूवी देखने के लिए नहीं जाती है। आप RRR का कलेक्शन उठा के देखो, आप पुष्पा का कलेक्शन उठा के देखो, KGF का कलेक्शन उठा के देखो, स्पाइडरमैन का कलेक्शन उठा के देखो, उसके बाद आप ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कलेक्शन उठा के देखो भाई। पब्लिक जाती है, पब्लिक वहां पे जाती है जहां पे उनके साथ स्कैम ना हो, जहां पे उनको चूतिया ना बनाया जाए। वो जो टाइम निकाल रही है, पैसा निकाल रही है, अगर वो वसूल हो रहा है उसमें वो लोग है ना बोलते हैं कि भाई सेक्रीफाइस है, हाँ भाई हमको मजा आया, वहां पर पब्लिक जाती है मूवी देखने के लिए। एंड यार डॉक्टर स्ट्रेंज का कलेक्शन अभी तो देखो फ्राइडे था, आज सैटरडे और बढ़ेगा, संडे को तो और बढ़ेगा। हालांकि देखो मेरे को कल बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज तेरे लायक मूवी नहीं है, तूने इससे पहले की मूवी नहीं देखी है इसलिए तेरे को मजा नहीं आया। भाई क्या मजा नहीं आया, मैं एक बात बोलूं यार, देखो सबसे पहली बात तो जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज का चैप्टर 1 देखा है, उसके बाद स्पाइडरमैन देखी है, उसके बाद एक और मूवी है जिसके अंदर आपको सब बताया जाता है किस तरह से उसके बच्चे सब आपको पता हो, तो आपको पता है कि मूवी में क्या चल रहा है। अभी मेरे को एक बात बता यार, स्टोरी मेरे को सिंपल सिंपल सीरियसली बोल रहा हूं, स्पाइडरमैन नो वे होम की भी नहीं जमी थी, उसके बाद ये भी नहीं जमी है। यार देखो मैं हॉलीवुड को बुरा नहीं बोलता, मैं हॉलीवुड को कभी मैंने बुरा नहीं बोला, ऐसा नहीं कि मैं हॉलीवुड को फॉलो नहीं करता। मैं हॉलीवुड की जो जो मेन मूवीज है लाइक एवेंजर्स हो गई, ये सारी के सारी मैंने देखी है। मार्वल की बहुत सारी मूवीज मैंने ऑलरेडी देख के रखी है, बट मैं हमेशा देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉलीवुड ने हमारे बॉलीवुड की मूवी एक दिन पे आती है तो मैं पहले सोचता हूँ कि मैं पहले बॉलीवुड की या फिर हमारे जो साउथ की मूवी को सपोर्ट करूँ, उनको प्रमोट करूँ कंपेयर टू हॉलीवुड। मेरा सिर्फ एक ही है ना मकसद रहता है कि पहले इंडिया की मूवी उसके बाद चाइनीज आई मीन हॉलीवुड की मूवी। इस वजह से मैंने पुष्पा का टाइम पे स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा पुष्पा पे फोकस किया था। एंड उसके बाद आपको पता है 3-4 दिन के बाद मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम देख के उसका रिव्यू भी कर दिया था, ठीक है। मेरे को उसकी स्टोरी भी नहीं जमी थी, मेरे को इसकी स्टोरी भी नहीं जमी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो इसमें क्या स्टोरी है यार, सिर्फ वो अपने बच्चों के पास जाना चाहती है एंड अपने बच्चों के पास जाना चाहती है, जो बच्चे उसको सपने में दिखते हैं उसकी असली माँ को मारना उसका मकसद है। अब उस बच्चे के पास जाने के लिए उसको किसी और को मारना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास जो पावर उसको जो पावर चाहिए वो उसी लड़की के पास है। बस वो पूरी के पूरी मूवी के अंदर उस लड़की के पीछे पड़ी रहती है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बचाते रहता है, बस यार यही चलता रहता है पूरी के पूरी मूवी में। VFX जबरदस्त है, फाइट जबरदस्त है, एक्शन जबरदस्त है, सब कुछ अच्छा लगता है, बट स्टोरी मेरे को सीरियसली बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं की। मेरे को स्टोरी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कनेक्ट कर रही है कि अब क्या होने वाला है। हाँ कुछ कुछ सीन्स फाइट VFX वगैरह जबरदस्त लगता है, बट सीरियसली स्टोरी मेरे को बहुत वीक लगी है इसकी भी और स्पाइडरमैन की, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एंड लोगों को पसंद तो आएगी बिकॉज इस तरह का VFX से एक्शन है, मैं आपको बोलूंगा जाके देखो, आपका पैसा तो वसूल हो ही जाता है। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड भाई आज भी 30 करोड़ के आसपास तो कलेक्शन आना ही चाहिए, उसके बाद संडे को तो और बढ़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जबरदस्त कर रही है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड तो भाई कहां पे पहुंच गया होगा। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।